Hello guys, welcome to the channel. And this video is all about Indian National Congress, moderates and extremists. This is part second of this video. So part first is का बना दिया गया है, ये second part है. Part first में हमने methods of working और composition of Congress पढ़ा था. अब ये अगला part है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं moderates, about the moderates and extremists and the split of Congress and its consequences, यानी कि कांग्रेस का स्प्लिशन क्यों हुआ और उसके क्या क्या परिणाम हुए, तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को फोर्थ टॉपिक से, जिसका नाम है द मॉडरेट्स. अब हम इसमें हमने उसमें पढ़ा था कि इन 1906 कांग्रेस का स्प्लिशन हो गया था दो पार्ट में, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट में. अब हमने पढ़ा था कि ये इसका होने का कारण ये था कि उन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी. तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ थी या क्या ऐसी उनकी आइडियोलॉजीज थी जिसके बेसिस पे दो ग्रुप में या कांग्रेस को दो गुटों में बंटना पड़ा था. तो देखो, पीरियड ऑफ 1880 to 1905, फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस इन विच द कांग्रेस सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इन ऑल इम्पोर्टेंट इश्यूज. तो जो 1880 से 1905 तक का जो टाइम इंटरवल था, उसको हम कांग्रेस का फर्स्ट फेज कहते हैं. इसमें कांग्रेस ने गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट दिया, हर एक इम्पोर्टेंट इश्यू में गवर्नमेंट का सहयोग किया. ठीक है, द डिमांड वर रिपील इन द आर्म्स एक्ट, एग्जामिनेशन ऑफ ICS इन इंडिया एंड इंग्लैंड वर डिमांडेड विच रिमेन स्टिल टिल 1905. तो उन्होंने फिर उसके बाद कुछ रीअपील करी कुछ एक्ट के खिलाफ, जैसे कि एक आर्म्स एक्ट था. आर्म्स एक्ट मीन्स किसी भी रिवॉल्वर वगैरह को रखने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत, तो ये आर्म्स एक्ट था. आर्म्स एक्ट का इन्होंने आर्म्स एक्ट को लेके कुछ डिसीजन मांगा इन्होंने, तो उसके लिए अपील की उन्होंने. और ICS का एग्ज़ाम जो उस टाइम पे, ICS मीन्स इंडियन सिविल सर्विस, जिसका एग्ज़ाम उस समय पे इंग्लैंड में होता था, उसके लिए भी कुछ डिमांडें रखी थी, क्योंकि उनकी उसकी में जो एज लिमिट थी वो इंडिया के लिए बहुत कम कर दी थी, इंडियंस के लिए 19 ईयर या 21 ईयर ऐसे कुछ कर दी थी. तो बहुत ही टफ एक एग्ज़ाम बना दिया था उसको, तो इसलिए भी उन्होंने कुछ अपीलें की थी. 1905 तक वे ये काम करते रहे. इन 1905 देयर मेन डिमांड वॉज एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 विच failed to satisfy Congress, and then there is slogan like no taxation without representation by 1905 and demand Swaraj for citizens of India. तो 1905 के बाद उन्होंने ये डिमांड मांगी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडिया में, उसका एक्सपेंशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. लेकिन जो 1892 का काउंसिल एक्ट था, उसमें एक्सपेंशन नहीं था, तो उसको एक्सपेंड करने की बात करी, जिससे कि एक सेफ्टी इंडियन पीपल्स के लिए आ जाए. लेकिन ये इस चीज़ में कांग्रेस फेल हो गई और कांग्रेस को सेटिस्फाई नहीं मिला इसमें, और वो डिसटिस्फाई थे गवर्नमेंट से. और उसके बाद उन्होंने कुछ स्लोगन्स तैयार करे, जैसे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, या 1900 जो कि 1905 में आया था, इसमें नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका बिना रिप्रेजेंटेशन के उसको टैक्स नहीं पे किया जाएगा. ठीक है, और उसके बाद डिमांड स्वराज फॉर सिटीजन्स, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लोग थे उनके लिए स्वराज की मांगी. स्वराज मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंस या सेल्फ गवर्नमेंट फॉर सेल्फ कंट्री, राइट. तो वो ब्रिटिश रूल को फिर हटाना चाहते थे. देयर डिमांड वॉज रेडिकल इन नेचर, दे अपोज फॉरन रूल एंड कन्वर्ट इंडिया इन टू सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल. तो ये क्या थे, एक रेडिकल नेचर के थे, और ये फॉरन रूल को यानी विदेशी साम्राज्य को अपोज करते थे, नहीं चाहते थे कि यहाँ विदेशी साम्राज्य रहे. और इंडिया को फॉरन रूल, जो फॉरन रूल इंडिया में था, उसका भी अपोज करते थे. ठीक है, और ये नहीं चाहते थे कि इंडिया को एज ए रॉ मटेरियल का सप्लायर इंडिया को बनाया जाए, जैसा कि हमने इम्पेरियलिज्म और इम्पेरियलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा है, कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट इसके लास्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें एक बार देख लीजिए ज़रूर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द एक्सट्रीमिस्ट,
एक्सट्रीमिस्ट से, ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट की अगर हम बात करें तो अब देखो दूसरा गुट तो एक्सट्रीमिस्ट का भी था, तो इनकी क्या क्या वो थी, इनमें इनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज थी उसको हम पढ़ते हैं। दे हैव ट्रेमेंडियस सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दे अपोज मॉडरेट्स हु कंसिडर देम टू बी सर्वाइल टू ब्रिटिश एंड हु कंसिडर देम टू सर्वाइल टू ब्रिटिश। ओके, तो इनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ही भावना थी, मीन्स ट्रीमेंडियस सेंस था इन पे सेल्फ रिस्पेक्ट का, ये सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बिलीव करते थे और मॉडरेट्स का अपोज करते थे और उनको कहते थे कि ये लोग ब्रिटेन के सर्वेंट हैं। मॉडरेट्स को एक्सट्रीमिस्ट से जो थे वो मॉडरेट्स को एज ए ब्रिटिश सर्वेंट मानते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये हर पॉलिसीज को ब्रिटिश की सपोर्ट करते हैं, इससे हमें स्वराज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा ये मीन्स लड़ाई और दंगों में ज़्यादा विश्वास रखते थे, ये सिर्फ ये मानते थे कि हमें आज़ादी सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ ही दिला सकती है, ठीक है। दे वर इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यूज, ये लोग जो थे वो ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यूज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। देयर वॉज थ्री ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। अब एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनके थ्री ग्रुप थे, इसको गरम दल भी कहा जाता है, उसको नरम दल कहा जाता है, ठीक है। ये मीन्स एम्यूनेशन और आर्म्स में विश्वास रखते थे, ठीक है। और वे क्या थे, वे पॉलिसीज वगैरह में विश्वास रखते थे नरम दल वाले, ये गरम दल वाले आर्म्स एंड एम्यूनेशंस में, अभी पढ़ेंगे हम। तो इसके तीन ग्रुप थे एक्सट्रीमिस्ट के, एक था महाराष्ट्र ग्रुप, महाराष्ट्र का जो ग्रुप था वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्टार्ट हुआ था और गणेश उत्सव भी इन्होंने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में बहुत ही पॉपुलर गणेश उत्सव ये इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ये दिखाने के लिए कि इंडिया के लोग जब कंबाइन होते हैं तो उनकी पावर क्या है, ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्रिटिशर्स को दिखाने के लिए कि इंडिया के लोग मीन्स जब एकत्रित हो जाते हैं तो कितनी शक्ति है उनमें। और बंगाल ग्रुप बिपिन चंद्र पाल और पंजाब ग्रुप लाला लाजपत राय, इसलिए हम जानते भी हैं लाल बाल पाल करके। तो ये थे महाराष्ट्र ग्रुप बाल गंगाधर तिलक, बंगाल ग्रुप बिपिन चंद्र पाल एंड पंजाब ग्रुप लाला लाजपत राय। अब हम अगला पढ़ते हैं। बंकिम चंद्र दयानंद एंड स्वामी विवेकानंद हैड प्रिपेयर एन आइडियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्सट्रीमिस्ट वर्क। अब एक्सट्रीमिस्ट जो वर्क करते थे वो किसकी आइडियोलॉजीज के बेसिस पे करते थे, बंकिम चंद्र दयानंद सरस्वती एंड विवेकानंद, इन सब इन जो ये ग्रेट जो लीडर्स थे या हम कहेंगे जो ग्रेट आइडियल्स थे इंडिया के, उनके जो आइडियाज थे उनके बेसिस पे एक्सट्रीमिस्ट वर्क करते थे या उनके बिलीव्स पे ये काम करते थे। दे यूजेज द आर्म्स एंड एम्यूनेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, ये आर्म्स और एम्यूनेशंस का यूज करते थे, यानी कि हथियारों का, या मीन्स इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हम ब्रिटिशर्स को प्यार से नहीं भगा सकते, इनके साथ मीन्स हमें इनको मार पीट के ही इनको भगाया जा सकता है, ये इनकी आइडियोलॉजी थी। फिर तिलक डिडंट अलाउ सोशल कॉन्फ्रेंस टू हेल्ड द सेशन इन कांग्रेस, तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने एक कांग्रेस के सेशन को नहीं होने दिया था, जो कि पूना में होने वाला था, ठीक है, उसको नहीं होने दिया था, ठीक है। फिर आ जाता है स्प्लिट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, हम पढ़ रहे हैं स्प्लिट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। स्प्लिट मीन्स विभाजन और कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके आउटपुट्स या उसके रिजल्ट। देयर हैड बीन अ कोल्ड वॉर बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच एक कोल्ड वॉर था, ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोज करते थे। इन 1907 अ कॉन्ट्रोवर्सी ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस वॉज अकर्ड विच द मॉडरेट्स वर नॉट एग्री टू मेक तिलक एज अ प्रेसिडेंट। 1907 में एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई प्रेसिडेंसीप को लेके, कांग्रेस के प्रेसिडेंसीप को लेके एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई, उसमें जो मॉडरेट्स थे वे तिलक को, बाल गंगाधर तिलक जी को एज अ प्रेसिडेंट नहीं मानते थे और उनको प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहते थे, क्योंकि वो मॉडरेट्स में इतने फेमस नहीं थे, वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो एक्सट्रीमिस्ट तो उनका सपोर्ट करते थे लेकिन जो मॉडरेट लीडर्स थे वे अपोज करते थे कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ना बने।
Congress session at Nagpur, the moderates not allowed Tilak to hold president chair, and conflict become the matter of concern for conflict between Britishers were happy. तो जो कांग्रेस